सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश जबलपुर, यानी कि जबलपुर मध्य प्रदेश में आए हुए हैं। और किसान साथियों, हम आए हैं मंटा डेयरी फार्म में। मंटा डेयरी फार्म में किसान साथियों लगभग 1000 प्लस भैंसे हैं, मुर्रा भैंसे हैं, और जो इनका दूध होता है सारा इनका आउटलेट है, आउटलेट में जाता है, कुछ यहाँ से दूधिया भी ले जाते हैं। तो आइए, मैं आपको यहाँ का मॉर्निंग का जो वर्क होता है, कैसे वर्क होता है, वो सब कुछ बताने वाला हूँ आपको कि कैसे यहाँ पे काम काज होता है। तो लगभग आप देख सकते हैं 8:40 हो रहा है और यहाँ का काम कैसे होता है सारा कुछ मैं देखता हूँ और वीडियो शूट करता हूँ। आप भी देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं जितनी भी भैंसे हैं, जिन जिन भैंसों का दूध निकल आया है, उनको आराम से लेके आके यहाँ पे जो गेट बना हुआ है, मस्त से मतलब नहला रहे हैं। और नहलाने के लिए आप देख सकते हैं, नहलाने के लिए आप देख ही सकते हैं, तीन तीन लोग लगे हुए हैं। एक भैया जी ये खड़े हुए हैं, एक भैया जी ये खड़े हुए हैं। किसान साथियों, इन भैंसों ने पानी भी पी लिया और नहा भी लिया अच्छे से। अब ये अपने अपने जगह पे यानी अपने अपने स्थान पे बंधने जा रहे हैं। और सारी भैंसें हेल्दी हैं, सारी भैंसें एक से बढ़कर के एक है, मतलब सारी मुर्रा भैंसें हैं, सारी ज़बरदस्त भैंसें हैं। मतलब अगर आप आओगे देखोगे तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, इतनी ज़बरदस्त भैंसें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भैंसें यहाँ पे बंधी हुई हैं, तो आपको थोड़ा दिखा देता हूँ सुबह सुबह कैसे काम होता है, कैसे क्या काम होता है। तो ये मैं फर्स्ट शेड में हूँ और फर्स्ट शेड में भी आप देख सकते हैं कितनी भैंसें बंधी हुई हैं। ये देखिए, भैंसें बंधी हुई हैं, मतलब केवल भैंसें ही बंधी हैं और कुछ आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे भैया नहला रहे हैं इन भैंसों को। तो ये फर्स्ट सेट है कुछ इस प्रकार का, और ऊपर थोड़ा सा जाला लगा हुआ है, बट कोई बात नहीं, एनिमल तो हेल्दी हैं। जितने भी भैंसों ने नहा लिया था, सारी भैंसें अपने अपने स्थान में बंधने चली गई हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है गोबर वाला ट्रैक्टर एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक ट्राली वहाँ पे खड़ी हुई है, और वहाँ पे ड्राई फॉर्डर आया हुआ है। ड्राई फॉर्डर अपना जो भी यहाँ के काम करने वाले हैं, वो तो पूरी फुल वीडियो में पता लगेगा कितने लोग काम करते हैं, कितने बजे काम चालू हो जाता है, बट सारे लोग लगे हुए हैं। और ये गाय का सेक्शन है इधर साइड का, और गायों का भी मिल्किंग हो गया होगा। और सारी गाय भी मस्त हेल्दी गाय हैं, मतलब यहाँ पे एनिमल आपको कोई वीक नहीं मिलेगा। सारी गाय भैंसें सारी एक से बढ़कर के एक हैं, सारे जानवर यहाँ के ज़बरदस्त जानवर हैं। और ये गाय का सेक्शन है, मतलब जैसे ही आप गेट से घुसोगे तो आपको तीन फार्म देखने को मिलेंगे। जो भैंसें नहा चुकी होती हैं वो अपने अपने स्थान में बंध जाती हैं, और जिन भैंसों ने नहाया नहीं होता है वो नहाने के लिए फिर से जा रही हैं। ये देखिए, सारी भैंसें नहाने के लिए जा रही हैं। वहाँ पर जो है फॉर्डर की कटिंग हो रही है। जो किसान साथियों आप देख सकते हैं, भर के गन्ना आया हुआ है, गन्ने की कटाई हो रही है, गन्ना भी खिलाते हैं यहाँ पे इस फार्म में। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में गन्ना है, जो कि पूरी फुल ट्रॉली है और पूरी जो है मशीन से कटाई हो रही है इसकी, फिर इसको खिलाया जाएगा। तो गन्ने को भी खिलाते हैं इधर साइड, काम बहुत जल्दी शुरू हो जाता होगा। और अभी अपने को ज़्यादा पता नहीं है, किसी आदमी से या किसी वर्कर से या मालिक मिलेंगे तो उनसे पूरी फुल डिटेल्स में जानकारी लेंगे कि भैंसों का काम कब से शुरू होता है और कब कब काम होता है। तो इस सेक्शन में भैंसे ही भैंसे नज़र आती हैं। किसान साथियों, इस डेयरी फार्म का सुबह सुबह ऐसे ही काम होता है, जैसे मैंने दिखाया आपको यहाँ पे गन्ना की कटिंग हो रही है। और आप देख सकते हैं जो भी यहाँ के वे वर्कर हैं, सारे ड्राई फॉर्डर अपने अपने एनिमल के लिए लेके जा रहे हैं, और गोबर से भरी ट्रालियाँ फुल हो चुकी हैं। एक इधर ट्रॉली खड़ी है, एक ट्रॉली इधर खड़ी है, मतलब एक दो तीन चार, एक आगे एक पाँच, पाँच ट्रॉली तो यहीं पर ही खड़ी हुई हैं। और यहाँ पर फीड की मिक्सिंग हो रही है, तो कुछ थोड़ा सा फीड की मिक्सिंग आपको दिखा देते हैं। यहाँ फीड मिक्सिंग हो रही है भैया। किसान साथियों, हर सेक्शन में मतलब दो दो फीड के लिए बने हुए हैं। और भैया मुस्कुरा रहे हैं, और भैया कैसे हो, कब से काम कर रहे हो? दो महीने हो गए। बढ़िया से काम करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीड के लिए, हर सेट के शुरू में ही आपको फीड का ज़रूर देखने को मिलेगा कि एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का। अभी हम लोग जो है मॉर्निंग में है ना, तो मॉर्निंग वाला यहाँ से पूरा फीड निकल गया है, और फिर इवनिंग का, ये इवनिंग वाला ये रेडी हो गया, मॉर्निंग का फिर इसको रेडी कर रहे हैं, मतलब एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का। तो ऐसे यहाँ पे काम होता है। अब हम आ गए हैं थोड़ा दूसरे सेक्शन में। जो भैंसे नहा चुकी है, मस्त अपनी अपनी जगह पे आके बंध गई हैं। आप देख सकते हैं सारी भैंसें लाइन से बंधी हुई हैं, इस लाइन पर भी सारी भैंसें बंधी हैं और इस लाइन पर भी सारी भैंसें बंधी हैं। मतलब गिनना मुश्किल है यहाँ पे, कि अगर आप आओगे गिनोगे तो गिनने में मुझे लगता है 2-3-4 घंटे लग जाएंगे सारी एनिमल को, क्योंकि बहुत बड़ा फार्म है। 100 एनिमल के डिपार्ट बनाए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं एक डिपार्ट ये है, इसके आगे एक टीन शेड मिलेगा देखने को आपको, और उसके आगे जाओगे तो उसके आगे भी टीन शेड आपको देखने को मिलेगा। तो फुल डिटेल्स में बनाएंगे, पूछेंगे भैया से कि किस लाइन में कितनी भैंसें बंधी हुई हैं। भैया यहाँ पर भी नहलाते हो क्या? हाँ, यहाँ भी नहला
यहाँ पे भी नहलाते हो स्टार्टिंग में और यहाँ पे भी नहलाते हो। ऐसे नहाने वाले कितने जगह बने हुए हैं? तीन जगह बने हुए हैं। चार जगह बने हुए हैं। तो ये दूसरी जगह है? ये दूसरी, तीसरी वहाँ, चौथी वहाँ। अच्छा, यहाँ पे चार जगह है जहाँ पे नहलाई जाती है भैंसे। तो सारी भैंसे छोड़ के लगभग एक बार में कितनी भैंसे छोड़ देते हो आप? यहाँ 30 खुलती हैं, वहाँ 60 खुलती हैं, बाकी में 15-15। तो ऐसे करके यहाँ पे नहा लेती हैं भैंसे और पानी भी पी लेती हैं। अब शाम तक का फुर्सत हो जाएगा। अच्छा, तो आप लोग तो नहला नहीं रहे हो, नहा चुकी हैं क्या? नहीं, नहलाएंगे। अभी नहलाएंगे, अभी सारी भैंसे खुल रही हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पे लगभग चार सेक्शन बने हुए हैं नहलाने के लिए और खुला पानी पीने के लिए, क्योंकि इतनी भैंसे हैं, एक एक भैंसा खोलना, फिर उनको पानी पिलाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। पानी पीती हैं, आप देख ही सकते हैं, लाइव पानी पी रही हैं। पानी पीती हैं, और जब पानी पी कर छक जाती हैं तो चारों तरफ से वर्कर खड़े हो जाते हैं डंडे लेकर के, और शटर से फिर इन पे पानी डालते हैं। तो ये ऐसे नहलाते हैं यहाँ पे, और लगभग चार स्थान बने हुए हैं। अभी दूसरे स्थान में हैं हम, और आप देख सकते हैं जैसे भैया ऊपर चढ़ रहे हैं। अब यहाँ से शटर लगा के, ये देखिए शटर निकाल लिया। अब ऐसे नहलाएंगे एक एक भैंसों को, नहला के बढ़िया से, मतलब जो वहाँ पे भैंसे हैं ना, भैंसे भी मज़ा कर रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इतने जानवर हैं तो कोई केयर ना हो, बढ़िया केयर हो रही है यहाँ पे। और सारी भैंसे हेल्दी हैं, जो कि मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है कि सारे भैंसे हेल्दी हैं। तो सबसे लास्ट एरिया में हम आ गए हैं, और सारे साइड में मैं घूमा भी नहीं हूँ, कि सारे साइड में मैं घूम के आया हूँ, सबसे लास्ट में आया हूँ। एक थोड़ा सा उधर साइड गया था, फिर लेफ्ट में थोड़ा सा गया था, और राइट में गया था, गाय वाले सेक्शन में गया था। किसान साथियों, अब हम आ गए हैं लास्ट वाले सेक्शन में, और जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि लगभग चार स्थान हैं यहाँ पे नहलाने के लिए भैंसों के, तो ये देखिए एकदम लाइव देखिए, भैया नहलाने भी लगे हैं, और सारी भैंसें मस्त से इंजॉय कर रही हैं पानी पीना है, जिनको पानी पी रही हैं, जिनको बढ़िया से घूमना है घूम घूम के नहा लेती हैं। मतलब ऐसे करके ये जो पानी भरा हो ना, चारों तरफ से घूमती रहती हैं भैंसे और नहाती रहती हैं। किसान साथियों, सुबह उठ के थोड़ा वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ के ऑनर हैं, ऑनर से परमिशन लेने में ही बड़ी मुसीबतें आईं। और जैसे आपको पता ही होगा, जिसके पास अगर 100 भी एनिमल है ना, तो वो मतलब अच्छे से सीधी मुँह बात नहीं करता। मतलब अगर उससे बोलो कि वीडियो शूट करना है, परमिशन दे दीजिए, तो परमिशन नहीं देता। लेकिन यहाँ के जो ऑनर हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, थोड़ा अच्छे आदमी थे, इसलिए उन्होंने परमिशन दे दिया कि चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप बना लो, शूट कर लो। इसी वजह से हम आके फिर हम सोचे पहले मॉर्निंग का काम ही शूट कर लेते हैं, कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। किसान साथियों, अब इस लास्ट वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं, जो भी हीफर हैं वो सारे यहाँ पे बंधे हुए हैं, और उनकी भी सारी सफाई वफाई हो चुकी है, इनको भी नहला धुला चुके हैं। किसान साथियों, हमको तो यहाँ का मॉर्निंग रूटीन समझ में आ गया कि कैसे काम होता है। जैसे भैया ने बताया था, जो वहाँ पे एक लेबर थे, उनसे पूछा था मैंने कि काम कब से शुरू होता है, तो भैया ने बताया कि 2 बजे से काम शुरू होता है और 10 बजे तक होता रहता है। और यहाँ पे लेबर भी बहुत ज़्यादा होंगे, वो तो मेन डिटेल में पता लगेगा कि काम कैसे होता है, मतलब कितने लेबर हैं और कितने लेबरों को कितनी भैंस दे रखा है, तो वो तो फाइनल वीडियो में ही देखने को मिलेगा आपको, और मुझको भी फाइनल पता चलेगा कि कितने लोग काम करते हैं। गोबर वाला एरिया है, सारी भैंसों का गोबर यहाँ पे डाल दिया जाता है, जो इधर का सेक्शन है, और इसके बाद से क्या करते हैं, वहाँ पे ट्रैक्टर लगा के, ट्रॉली लगा के फिर भर लिया जाता होगा। जो यहाँ के वर्कर हैं वो अपना धुलाई कर रहे हैं, मतलब सबका अपना अपना काम होगा कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो सारे अपने हिसाब से काम करते हैं। किसान साथियों, जब भैंसें नहाने के लिए जाती हैं, तो जो उनका एरिया रहता है वो खाली हो जाता है, जिससे जो वहाँ के वर्कर हैं वो आसानी से सफाई कर लेते हैं, यानी कि धुल लेते हैं, और फिर इसके बाद जो है सारी भैंसें आराम से आके बंध जाती हैं। किसान साथियों, भैंसों का मैनेजमेंट तो देख लिया कि कैसे नहाती हैं, अब चलते हैं गायों का मैनेजमेंट, देखते हैं कि गाय कैसे नहाती हैं। सेम जैसे भैंसों का मैनेजमेंट होता है, वैसे ही गायों का मैनेजमेंट होता है। किसान साथियों, यहाँ के पशुओं को बढ़िया इन्वायरमेंट में रखते हैं, बढ़िया से इनकी सेवा करते हैं, तभी सारे एनिमल में जो चमक आपको दिखाई दे रही है, तभी आती है जब आप पशुओं पर इतना सेवा करते हो, ध्यान रखते हो, इनकी बीमारियों का ध्यान रखते हो, इनका ध्यान रखते हो, तब जाके पशुओं के ऊपर शाइनिंग आती है। किसान साथियों, आशा करते हैं आपको मंटा डेयरी फार्म का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।